गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? गुड, ओके। तो अभी आज हमें क्या करना है? हिंदी। और हिंदी में हमारा कौन सा स्वर है? लास्ट स्वर कौन सा है? अंगा खाली। बजाओ सारे बच्चे ताली। देखिए मैंने आपके लिए क्या करी है, एक लड़का और एक लड़की बनाई है। क्या कर रहे हैं वो लोग? बैठ के ताली बजा रहे हैं ना, क्योंकि अंगा हमारा क्या है? खाली है। तो क्या बजाएंगे? हम ताली बजाएंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए अंगा, अब आपको इसको लिखना भी है। अब आप बोलोगे मैम हमें तो आता है ये लिखना, लेकिन कैसे लिखना है? चलिए अम्मी नोटबुक्स निकालिए और मैम के साथ लिखिए। तो आपकी नोटबुक्स कितने लाइन वाली है बताइए? 5 लाइन वाली। मैम ने आपकी नोटबुक्स की तरह ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ कर ली, लाइन कर ली ना। तो नोटबुक्स निकालिए और क्या करेंगे हम? इसे राइट करेंगे, लिखना सीखेंगे। ओके, चलिए सेकंड लाइन से टच करते करते हुए थर्ड लाइन से अर्धकर्म करते हुए फोर्थ लाइन से ऊपर की तरफ ले जाते हुए थर्ड लाइन। आप बोलोगे मैम वेरी सिंपल, हमें आता है ये। तो चलिए सेकंड लाइन से खड़ी रेखा खींचेंगे फोर्थ लाइन तक। ओके बेटा, और थर्ड लाइन पे ये पड़ी रेखा। और अभी इसमें क्या लगानी है? दो बिंदी लगानी है। तो क्या करेंगे हम? एक तो ये हमारी बनेगी थर्ड लाइन और सेकंड लाइन और थर्ड लाइन के बीच में एक बिंदी, और दूसरी बनेगी हमारी थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन के बीच में। ओके, तो ये कौन सा स्वर बन गया? अंगा। अंगा क्या है हमारा? खाली है। ओके, तो ये आपको क्या करना है? अपनी नोटबुक में राइट करना है, तो अच्छे से करना है। चलिए अब खड़े हो जाइए मैम के साथ। क्या करेंगे हम? अंग खाली पे एक छोटी सी पंक्ति करेंगे। ओके, तो बोलिए अंग से कुछ नहीं है, अंगा है खाली। बच्चों को बोलिए, बच्चों को बजाओ ता।